गार्डनिंग से रिलेटेड जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ओसम गार्डन चैनल को, और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि हमारी हर न्यू वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, ओसम गार्डन में राकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपना और अपने पौधों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलोवेरा के ऊपर कि एलोवेरा हमारी सेहत के लिए किस तरीके से लाभदायक है और हम इसको किस तरीके से किन किन बीमारियों में हम इनको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा पौधा होता है, काफी अच्छा हर्बल प्लांट है जो कि काफी सारी बीमारियों में काम करता है। आज हम इनकी इसकी जो कंप्लीट जानकारी लेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इसकी सारी की सारे यूजेज का पता लगे कि ये किन किन बीमारियों में किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों आज है हमारे साथ आचार्य राजवीर जी जो हमें एलोवेरा के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो आचार्य जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओसम गार्डन पर, और हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल फिटफाट होंगे और हेल्दी होंगे। तो मित्रों आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे एलोवेरा के विषय में। इसको एलोवेरा भी कहा जाता है और इसको एलोवेरा के नाम से भी जाना जाता है और इसको घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं और देहाती भाषा में इसको गवार पाठा भी बोला जाता है। ये हमारे आंगन में भरपूर मात्रा में होता है और गमलों में भी लोग इसको लगाते हैं, खेत में लगा करके बड़े लेवल पर इसकी खेती भी करते हैं। हमने भी इसको पार्क में लगा रखा है, बड़ा उत्तम है, बहुत बढ़िया है और इसके गुणों के विषय में आप जानेंगे तो आश्चर्यचकित रह। तो देखिए ये एलोवेरा है और इस एलोवेरा को कैसे कैसे प्रयोग में लाया जाता है ये हमको सारा आज विस्तार से बताने का प्रयत्न करेंगे। देखिए सर्वप्रथम तो हम जब इसकी जेल को सिर में लगाते हैं तो सिर में जो रूसी हो जाती है उसको समाप्त करने में, उसको ठीक करने में इसका बड़ा भारी योगदान है। तो सिर में लगाने का इसका बहुत भारी इससे लाभ मिलेगा। दूसरे है हमारे जो चेहरे पर कील, मुहासे, फोड़े, फुंसी आदि हो जाते हैं, हमारा चेहरा विकृत हो जाता है, तो उसमें भी ये बहुत इसकी जेल बहुत अति उत्तम है। इसको लगाने से वो आपकी जो स्किन है, आपका जो चेहरा है वो एकदम चमकदार होगा और कील मुहासे धीरे धीरे समाप्त होते चले जाएंगे। इसी के साथ साथ कई बार हमारा जो चेहरा गर्मी के कारण झुलस जाता है, उसमें पपड़ी सी फट जाती है, तो उसमें इसकी जेल को लगाने से भी बहुत उत्तम लाभ मिलता है और बहुत जल्दी वो आपकी स्किन उससे ठीक हो जाती है जी। इसको जो झुलसने की जो कहते हैं वो गर्मियों में जब त्वचा सनबर्न हो जाती है तो उस पे आप अगर इसका जल लगाते हैं तो वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है और आपकी स्किन बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है और सनबर्न होने से बचाता है। अगर आप कहीं धूप में निकल रहे हैं तो इसका जल चेहरे पर लगा लें और जब जल सूख जाए तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। इसी के साथ साथ ये जो है हमारा मसूड़ों को भी मजबूत करता है। जब हम इसको मुंह में अंदर लेकर के कुछ समय तक रख करके अपने उसको जिस प्रकार से मंजन करते हैं इस प्रकार से उसका उसको मुंह में इसकी जेल को लेकर के और उंगली से उसकी मालिश की जाए तो इससे मसूड़े भी मजबूत होते हैं, मसूड़ों में खून आना भी उससे ठीक होता है, ये भी लाभ इसका है। इसी के साथ साथ हमारे जो शरीर में जिस समय कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बड़ मात्रा में बढ़ जाता है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी ये बड़ा अति उत्तम है, बड़ा सहायक है। और इसी के साथ साथ जैसा कि आजकल डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी हो जाता है व्यक्तियों को, तो ज़्यादा चिंता करने से सोचने से आज का हमारा युग इसी प्रकार का है, डिप्रेशन में चले जाते हैं कोई नवयुवक या नवयुवती, तो इसका जो है उसमें भी बड़ा योगदान है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखता है, उसका ना हाई होने देता ना हो ना कम होने देता। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा उत्तम कार्य इसका ये है, इसको लगातार लेने से प्रातः काल 50 ग्राम इसकी जेल इसका गुद्दा निकाल करके प्रातः ताज़ा ताज़ा इसको खा लिया जाए तो हमारे ये हाई ब्लड प्रेशर को तो ठीक करता ही है, साथ की साथ शरीर के अंदर प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। किसी भी प्रकार का रोग है उससे लड़ने की शक्ति हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती है इसके लेने से। जी बिल्कुल, इसमें इससे जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत बनता है।
तो ये इसलिए बहुत ही गुणकारी पौधा है ये, और ये हम आराम से हमारे आंगन में हमारी बगीचे में ये मिल भी जाता है। तो ये इसका सेवन जो प्रातः काल 50 ग्राम कर लेता है, हर बहुत सी बीमारियों में ठीक काम करता है। इसी के साथ साथ जैसे हमारे जोड़ों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उसमें लुब्रिकेशन का काम करता है ये। उसमें जैसे जिसको ग्रीस बोलते हैं वो कम हो जाता है शरीर के अंदर, तो उसका भी ये वो कुछ दिन का लगातार इसका सेवन करने से हमारे घुटनों का दर्द में भी लाभ मिलता है। हमारे जितने भी जोड़ों के दर्द हैं, जैसे हड्डियों को मजबूत आदि करना, ये भी उसमें भी ये बहुत काम करता है जी। जैसे कि जोड़ों में जब आप उठते बैठते हैं तो कटक कटक की आवाज आती है, तो उससे होता है कि आपके जो जोड़ होते हैं उनमें लुब्रिकेशन का जो लुब्रिकेंट है वो कम हो जाता है। तो अगर आप इसको रेगुलर खाली पेट सुबह खाते हैं तो आपका लुब्रिकेंट जो है वो बन जाएगा, और आपके घुटने जो है या फिर जो जोड़ों में लुब्रिकेंट की मात्रा है वो बढ़ जाती है, जिससे वो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। इसी के साथ साथ जैसे ब्लड शुगर हो जाता है कईयों को, वह एक सामान्य शुगर होता है, एक ब्लड शुगर होता है, जैसे मधुमेह है, और उसके बाद पहले प्रमेह होता है, एक प्रमेह की भी बड़ी भयंकर बीमारी होती है जिसमें धातु का स्राव होता रहता है और नवयुग जो है खाता पीता कमजोर होता चला जाता है, उसको पता भी नहीं चलता तो उसे क्या बीमारी है। प्रमेह में भी बड़ा अति उत्तम काम करता है। उसके बाद फिर मधुमेह का नंबर आता है जिसको शुगर कहते हैं, शुगर लेवल को भी बड़ा ठीक रखता है। हमारे जो ब्लड के अंदर शुगर हो जाता है, ब्लड शुगर बड़ा खतरनाक बीमारी है, उसको भी लाभ वो ठीक करने में इसका बड़ा भारी योगदान है। ब्लड शुगर को भी ठीक करता है, गतिरोधक शक्ति पैदा करता है, कैंसर तक की बीमारी हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसी उत्तम दवा है। इसके विषय में जानकारी रखना हर व्यक्ति का धर्म बनता है, ताकि वो खुद भी जाने औरों को भी जनाए, अपने सारे परिवार को इसका लाभ वो दिला सकता है। ऐसे ऐसे गुण इसके अंदर अलवेरा के अंदर हैं। इसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन इसका लगाते बहुत हैं लेकिन प्रयोग बहुत कम करते हैं इसका लोग, इसलिए ये बहुत ही उत्तम चीज है। इसी के साथ साथ ये तो सभी विश्व प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं, और आजकल के नवयुग जानते भी नहीं है कि इसका क्या बनता है। कुमारी आसव बनता है। कुमारी आसव जो है भोजन के बाद जो है वो चार चार ढक्कन दवा और पानी मिलाकर के जब लिया जाता है तो ये डाइजेशन को ठीक रखता है, हाजमा ठीक रखता है, और महिलाओं के मासिक धर्म में भी बड़ा उत्तम है। मासिक धर्म जब रुकावट से आता है तो नवयुवतियों को उस समय इसका बड़ा भारी योगदान है। उस समय घृत कुमारी और उसी के साथ अन्य दवाइयों का सेवन, रज परिवर्तनी बट्टी आदि का सेवन कर लिया जाए, या कोई काढ़ा भी बना करके ले लिया जाए, तो उस समय भी इसका ही प्रयोग किया जाता है। जिस समय यकृत जिसको लीवर बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, उसमें जिस समय विकृति आ जाती है, भूख कम लगती है, डाइजेशन खराब हो जाता है, खट्टी डकारे आती है, बदहजमी होती है, या हमारी आंतों के अंदर फिसलन नहीं रहती, वो शरीर का सारा रूखापन ठीक करता है। और भी बड़े उत्तम इसका लाभ है। सबसे कई बार हमारा जो है उसमें जख्म हो जाते हैं आंतों में पहले, जैसे कि हमारे पहले गैस बनती है, फिर तेजाब बनता है, फिर अल्सर बन जाता है। अल्सर एक ऐसी भयंकर बीमारी है। इसका जैल अति उत्तम है, उसमें बड़ा ये पीने में भी खीरे के रस जैसा इसका स्वाद है। कई लोगों को भ्रम है कि ये कड़वा होता है, कड़वा बिल्कुल नहीं होता, खीरे जैसा इसका स्वाद होता है, और उसको पीने से अल्सर जैसी भयंकर बीमारी, जैसे हमारे उसमें शौच में कई बार खून आने लगता है, रक्त आने लगता है, उसको भी ठीक करता है। आंतों के अंदर जो जख्म बन जाते हैं उन जख्मों को भी ठीक करने में इसका बड़ा भारी योगदान है। ये बड़ी भयंकर बीमारी है, आव मरोड़ पेचिश की जब बीमारी हो जाती है उसमें भी इसका जैल जो बड़ी अति उत्तम रहता है। इसी के साथ साथ एक और बात है, जिस समय किसी की आंखें दुखनी आ जाती हैं, या आंखों में जलन होती है, या धुआं लग जाता है, या एलर्जी हो जाती है, जैसे कि आजकल वातावरण बिगड़ रहा है, या गर्मी के कारण आंखें आ जाती हैं, तो इसका जो है जैल निकाल करके, गुद्दा निकाल करके अपनी आंखों पर रखे ना, 10 मिनट में ही आराम मिल जाता है, तो आंखों की लाली एकदम से समाप्त हो जाती है। इसके तो इतने लाभ हैं कि हम इसके इतने लाभ हैं कि गिना भी नहीं सकते। इसके बारे में जाने और इसका लाभ उठाएं तो बड़ा अति उत्तम रहेगा जी। दोस्तों, ये था हमारा एलोवेरा के ऊपर हेल्थ बेनिफिट ऑफ एलोवेरा। और अगर आप इसमें हम सारे टॉपिक जो है वो कवर नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो इसका हम एक ऐसा जल बनाना आपको बताएंगे आचार्य जी, जो कि कई महीनों तक भी खराब नहीं होता,
ऐसा जल आपको बताना सिखाएंगे, बनाना सिखाएंगे जो आप घर पर बना सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतने ज्यादा लोगों तक इसके बेनिफिट का पता लगेगा और वो उन्हें यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि ऐसे ही प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। Yeah.